अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में डोंबिवली में हुआ योगा शिविर का आयोजन, इस पर देखिए महावीर बड़ाला की ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल योगा डे है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे योगा डे सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं। अभी फिलहाल कोरोना का सीजन चल रहा है, उसके लिए योगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो योगा की वजह से अपना लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो इसीलिए रेगुलर योगा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे आज आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन आज के दिन डोंबिवली ग्रामीण मंडल की तरफ से योग शिविर का आयोजन किया गया था। इसके आयोजक थे रसिका पाटिल, मनीषा तैराने और इस योग शिविर के टीचर थे पूनम चौगिले मैडम। तो आज का ये योग दिन बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ और मैं दिलो जान से धन्यवाद करता हूँ पूनम मैडम का कि उन्होंने आज का जो प्रशिक्षण शिविर बहुत अच्छे से निभाया। और जो यहाँ पे आई वो सब महिलाएं और मेरे भाई, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आज आए। और मैं सबको एक विनती करता हूँ कि जिस तरह आज आपने एक घंटा योग किया, उसी तरह हर रोज दिन में एक बार योग कीजिए और तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। प्रत्येक महिला ने मला वाटतं रोज एक तास योगासन करावं, म्हणजे आपल्याला स्वतःला शरीर ताजतवानं आणि म्हणजे निरोगी राहण्यासाठी प्रत्येक महिलांनी दिवसातून एक तास काढून योगासन केले तर खूप बरं होईल। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।